यहाँ करना केस फाइल। इन्हें मेरा डोसा अच्छा नहीं लग रहा है इनका, देखना गाइस। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि डोसा बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है डोसे की बेइज्जती कर रही हो तुम अच्छे खासे तरीके से। वेलकम बैक टू द ब्लॉग, मेरे मॉर्निंग के नो, और अभी मैं कहना मैं रेडी हो रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था। और इतने दिनों बाद ब्लॉग मैंने बहुत दिनों बाद स्टार्ट करा है, मतलब मैंने रोक ही दिया था, तब मैंने सोचा कि स्टार्ट कर लेते हैं सर भी, मतलब मैं आज भी बिजी था, बट मैंने सोचा कि आज भी ब्लॉग करूँगा ताकि मैं दिखा पाऊँ कि कैसे बिजी हूँ मैं, क्या हूँ, क्या करता हूँ, जो सब समझाऊँगा और फिर से ब्लॉग में वापस उतरूँगा। तो अभी के लिए कोर्ट जा रहा था, इंटर्नशिप पे लगा हुआ हूँ, अभी मैं क्या है सारा सामान पैक कर रहा था, तो अपना फ़ोन में चार्ज लगाया था और यूनिफॉर्म वगैरह सब पहन रहा था। अभी क्या है ना, जल्दी से पहले रेडी हो जाता हूँ फिर निकलते हैं। मैं आज आपको पूरा दिखाऊंगा कि मैं कैसे मतलब बिजी रहता हूँ, क्या मेरा शेड्यूल होता है, काम मैं करता हूँ, क्या क्या सब होता है। तो अभी चलते हैं जल्दी से, और भी चीज़ें हैं जो करनी है, तो बट अभी इससे पहले निकलते हैं, लेट हो रहा हूँ मैं क्योंकि 9:30 तक पहुँचना है, 9:10 होने वाले हैं, जल्दी करता हूँ क्योंकि नाश्ता पानी कुछ किया नहीं है मैंने। तो गाइस अभी मैं क्या रेडी हो चुका हूँ पूरा, अभी जल्दी से ना मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ जो कि अभी रखा हुआ है करूँगा, उसके बाद सीधा निकलता हूँ। मेरे सर में पता नहीं दाने वगैरह हो गए हैं ना, तो उससे दर्द होता है मेरे, और मैं इसकी दवा भी लाया था, बट अभी देखते हैं कैसे कैसे दीजिए जाते हैं, जब तक वो खत्म हो जाएगी ना उसके बाद और दिखाऊंगा। सर में और गंजा भी हुआ था मैं, और बहुत दर्द हो रहा है, ब्लॉक करने का टाइम भी नहीं मिलता आज पता लग जाएगा, बट पहले मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ फिर चलते हैं, करेंगे सब कुछ करेंगे, तो मेरा दोस्त मिल जाएगा मुझे वहीं पर, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी गया हुआ है, तो इसलिए मेरे को चलना पड़ेगा आज, ज़्यादा मैटर है ना, तो जल्दी निकलता हूँ मैं खा के, फिर चलते फटाफट से, बाकी ब्लॉग मैं तभी करूँगा। चलो चलते हैं जल्दी से, मैंने मास्क और चाबी ले लिए, देख लेता हूँ ऐसा तो सब कुछ ले लिया, तो अभी चलते हैं। मेरे सर क्या हो रहा है, दर्द ही दर्द हो रहा है, पता नहीं बार बार, और अब निकलता हूँ, सब तो सो रहे हैं, अभी मम्मी से उठा था, मम्मी ने पैसे लिए, बाकी निकलते हैं जल्दी से, और चलो चलते हैं। टाई तो आज लगाई है मैंने पहली बार, वैसे टाई नहीं लगा रहा था मैं, चलो ले ली, जा रहा हूँ मैं। हाँ चलो बस चलते हैं, सुबह गए तो जल्दी से निकलता हूँ, बस वहीं रहूँगा। चलो गाइस चलते हैं जल्दी से, ब्लॉग बनाते बनाते मैं निकल ही रहा हूँ, मैं निकल के लेट हो रहा था ना, जल्दी जल्दी निकला हूँ, 9:40 हो चुके हैं, अभी चलते हैं, सिंगल हैंड ड्राइव कर रहा हूँ मैं पूरे रोड पे। एक हाथ से गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मेरा भी क्या है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हो चुका है, तो इसलिए मुझे इतनी दिक्कत है नहीं, बाकी चलते हैं धीरे धीरे, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ कोर्ट जाता हूँ, मेरा दोस्त भी आगे आ गया है, मतलब वो जल्दी निकल गया, तो अभी मैं उसे वहीं से दिखूँगा, वहीं मुझे वो मिलेगा, तो भी चलते हैं जल्दी। गाइस देखो कितना तगड़ा जाम लगा हुआ है, अभी तक गाड़ी पता है कितना बज जाएगा, 10 बजने वाले हैं, तो मैं एक मिनट पीछे चले गया, 10 बजे धीरे धीरे भी आगे बढ़ा रहा हूँ बस। गाइस जो जाम लगा हुआ है ना, सज्जा आती है मेरी, देख रहा हूँ मैंने गाड़ी बंद ही कर दी है, 10:10 हो चुके हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, और ये खोलने का जाम लेने का नाम। गाइस कोर्ट में आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, इतना लेट से क्या बताऊँ, गाइस आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बट अभी मैं केस फाइल करने जा रहा हूँ, तो चलते हैं 3 दिन जा रहे हैं केस फाइल करने, चलते हैं और फिर फ्री होने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में, आज तो केस फाइल करने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कल भी गए थे केस फाइल करने, आज भी जा रहे हैं, आज सर को करना है। हाँ कोई नहीं, शुरू करते सर के साथ, फिर ये है शुरू चलते हैं, कंफर्टेबल है, हाँ तो इस सही लग रहा है लोग। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं फाइल करने केस, देखते हैं कैसे क्या होता है, बाकी सब पता लगा धीरे धीरे, बहुत कुछ सीख, बाकी सीख रहा जी धीरे धीरे, आप डेट ले वाला भाई ने बताया, मैंने भी ली थी पहले ली थी, उससे पहले मैंने लिए भूल गया वो दिन, तारीख की जगह बेटर है क्या, हाँ भाई आवाज़ लग रही, हाँ कोई नहीं होता है, होता है ऐसे ही तो होता है, इससे पहले डेट लेकर आया था, लेकर आया था जज ऑप्शन पर ली थी, जज के सामने लेकर आया, जज अब तो उठ रहे, चलो चलो मजे मजे में दूसरी कोर्ट पहुंच गया है, दूसरी जगह फाइल करने चला गया, सब दूसरे में लग गया, शुरू होने से खत्म हो जाता केस फाइल, बोल गया वही हो जाता, यहाँ करना केस फाइल। तो गाइस घर पे आ गया हूँ, बहुत लेट हो गया आज, काम नहीं है इसलिए कोर्ट अंदर से दिखा नहीं पा रहा, है गाइस अभी क्या है ना, मैंने खाना वाना खा लिया, रेडी भी हो गया हूँ मैं, और अब मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि टाइम जो है ना देख लो टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं, मैं खाया नाश्ता को दिखा नहीं पाया था, गुस्से में दर्द हो रहा है, जिम भी जा रहा हूँ, कल वर्कआउट नहीं कर पाया था, तो अभी जल्दी से चलते हैं, बाकी ब्लॉक में करता हूँ, देखते हैं क्या क्या होते हैं, थोड़ा सामान भी लेकर आना है, तो आज कुछ बनाएंगे मम्मी,
तो उसके लिए सामान भी लेकर आऊँगा, तो भी चलते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी जिम आ चुका हूँ, सिर में दर्द हो रहा है ना, छठ में दिक्कत बहुत हो रही है, अंदर चलते वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट खत्म करके जा रहा हूँ घर, और अभी मैंने अपना कुर्ता का कुर्ता सिलवाने दिया था ना वो ले लिया है, दूध की थैली भी ले लेता हूँ गाइस। तो गाइस अभी क्या है ना, मैं अपना कुर्ता लेकर आ गया था ब्राउन पहन के, पहले वाइट वाला पहनूंगा ये रहा, उसके बाद दूसरा वाला ये वाला, तो बताऊँ नहीं पहले वाइट पहनूंगा, पहले वाइट पहनता हूँ उसके बाद दूसरा दिखाऊंगा, तो इसे चेक करता हूँ। तो अभी मैंने ये पहन लिया है देखो, इसके कॉलर मैंने बनवाए थे बोले थे, बट उन्होंने थोड़ा क्या है ना छोटे कर दिए, और लॉन्ग बोले थे मतलब, तो इससे भी और बड़े बोले थे, मगर क्या कर सकते हैं यही सीखते हैं। ये रहा वाइट वाला, फिटिंग तो सही आई है वैसे, इतना ढीला होना चाहिए था, जब मैं बंद करूँगा ना तो अलग लग गया। और ये भाई इसे तो लगाऊंगा, बताएं वो कैसे लगता है, पता है गाइस इसको दूसरे वाले को बोलता हूँ, उसे देखते हैं कैसा लगता है, उल्टा ये सीधा फेसबुक पर कौन सी रेसिपी आने लगी, यूट्यूब बोलते हैं मैं इसे, ये रहा जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ, ये रहा देख लो गाइस रेसिपी किस पे देख रहे हैं, फेसबुक पे कभी व्हाट्सएप पे, पता नहीं किस किस पे रेसिपी देख रहे हैं, ये नहीं पता यूट्यूब पे देखते हैं, देखो कितनी बोली अम्मी मेरी है ना, देखो गाइस मेरी अम्मी कितनी बोली है, ये कपड़ा ढीला है, किसका नाम देख लो गाइस, डोसे की रेसिपी भी ऐसे बोलनी है, बोलनी क्या नाम है, ये वाला भी सही लग रहा है, मगर इन्होंने लॉन्ग नहीं करा यार, इतना लग रहा है और ज़्यादा लॉन्ग करवाता ना तो सही लगता है, वैसे सही लग रहा है, वैसे सही लग रही है, मतलब ढीले ज़्यादातर ढीले अच्छे लगते हैं, इसका कपड़ा पता कैसा है, इसका कपड़ा डाउन वाला है, मतलब नीचे पड़ा एकदम गिरा रहता है ना। मैंने देखो गाइस आज बैक लगाई थी, और बैक बहुत दर्द कर रही है मेरी, क्योंकि बैक लगानी चाहिए यार, बैक बहुत बढ़िया होती है। आज मैंने लैम्बोर्गिनी देखी थी, बट ब्लॉग में नहीं दिखा पाया, तो साउंड नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना। मैं डोसा बनाने जा रहा हूँ, मिलता हूँ उसे थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में नहीं साथ में डोसा बनाएंगे, ये रहा डोसे का भुर्ता, चलो डोसा बनाते हैं। बना रहा हूँ अपना स्ट्रॉबेरी का एक बहुत तगड़ा वाला शेक, इसकी रेसिपी लीक कर रहा हूँ, अब देख लेना सब बना लेना शुरू कर लेना। तो कैसे बनाता हूँ पहले बताता हूँ आपको, ये देखो तो मैंने क्या है ना, एक स्ट्रॉबेरी का है ना वो जो पत्तियाँ होती हैं वो काट ली, उन्हें दो धाकर रेडी करके रख लिया है अच्छे तरीके से। जो मैंने उबालूंगा ना वो होगा चीनी के पानी में, वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उबाल दूंगा, ये बिल्कुल गल जाएंगी, और कितना उबालना है ये मुझे भी नहीं पता। तो अभी मैं सारी की सारी स्ट्रॉबेरी इसमें डाल रहा हूँ, पानी भी डाल दो भाई, मुझसे ज़्यादा या तो रुको, एक दो तीन चार, डिजॉल्व होने देते हैं चीनी को, और जितना भी ये सब कुछ है ना जब तक बिल्कुल गल ना जाएगा तब तो मैं इसे निकालूंगा नहीं। और डोसा बनाने के लिए जो उसका भुरता था ना वो भी रेडी कर लिया है, बाद में पहले उसको थोड़ा बनने देते हैं, उसके बाद इसे छेड़ेंगे थोड़ा टाइम बाद। तो पहले अम्मी लगते हैं डोसा बनाने, क्या बनाती है कैसे बनाते हैं, डोसा दिखाता हूँ। तुमने अम्मी डोसे का कबाड़ा कर दिया सही में, तुम रहने दो डोसे नहीं बनाया तुमने, ये पराठा हटो ऐसे नहीं बन, हटो हटो तुम बोल रहा हूँ मैं, सभी मुझे आता है, आता है तेल होगा, इन्हें मेरा डोसा अच्छा नहीं लग रहा है इनका, देखना गाइस ये डोसा आया है ना, ना कुछ है ना कुछ है इसमें होंगे, और ये मैंने क्या इतना बढ़िया डोसा बना दिया, ये क्या कर दिया तुमने, जा भी ले देखिए, ये देखो गाइस डोसा तेल डाल उस पे, तेल तेल डालते होंगे डोसे पे, ये कुछ और ही बनना है, मैंने ये बनाया सबसे बढ़िया वाला, ये खाने लायक है, अभी रख दो एक साथ खाने का आया वो भैया, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि डोसा बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है डोसे की बेइज्जती कर रही हो तुम अच्छे खासे तरीके से, क्या डोसा ये, वो डोसा भी लग भी रहा है, ये तो पता नहीं क्या लग रहा है, डोसा लग रहा है, एक बार क्या लग रहा है,
बारी बरगम डोसा है, है। दज्जी बना दी बनाती है मैं डोसा का नाम पे बर्बादी कर दिया सबको। इसे रोटी में लगाओ, रोल बनाओ, खा लो। ये खा दो डोसा, वो खा लूंगा मैं, तुम इसे रोल बनाओ उसे खा लो। कैसा उड़ेगा डोसा? पागल है, कच्चा कच्चा सा। पतला हुआ है, पता नहीं अलग क्या अंदर ये डोसा है। ये डोसा है, देखो गाइस ये डोसा है, पूरे डोसे का सत्यानाश पीट दिया है। तीन तीन स्वैप लगे हुए हैं और डोसे का देखो कैसा ये डोसा लग भी रहा है। ये तो बदतमीजी हो गई डोसे के साथ। पूरा डोसा देखो, ये डोसा आया। अब ये डोसा नहीं लग रहा ये तुमने अम्मी देखो, तुम इतने भी मजाक में दौड़ाओ किसी चीज का, ऐसा क्यों हो गया? तेल क्यों डाला तुमने? क्या बोल रही थी? ये डोसा आया, देखो ये डोसा आया, देखो डोसा तो देखो कितना बढ़िया बना रही है। डोसा नहीं है अम्मी, पहले डोसे खराब चले थे, पूरा बेस खराब कर दिया भाई साहब ने। ये देख लो ये डोसा है, इसे पकड़ो, बन गया मेरा डोसा। ये चीज जान लो, डोसा सिर्फ एक ही बना है और ये रहा डोसा। देख रहे हो डोसा कितना प्यारा लग रहा है। डोसा नहीं बना रहे, इतनी क्या बना रहे? अब मैं खाऊंगा डोसा और देखता हूँ कैसा बना है। सही बना है इन्होंने तो डोसे का नाम पर पता नहीं क्या बना दिया। पूरा खा लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉग करूंगा। डोसा सा लग भी रहा है, तुमने पता नहीं क्या कर दिया। आटा तो मक्का जा सब्जी में बहुत गंदी वाली बेइज्जती करी गई है डोसे की, बहुत वाली बड़ी वाली गंदी बेइज्जती। देख रहे हो डोसा है, डोसा है, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे बनाओ रोल। गाइस मेरी आँख लग गई थी, मैं सो गया था भाई यार, अभी बहुत तगड़ी नींद आ गई थी, अभी नींद उड़ी है मेरी, मतलब कॉफ़ी वैसे नहीं पी, खाली पानी पी गया, अभी थोड़ी नींद कम हुई है। तो अभी मैं शेक बनाता हूँ, तो ये देखो शेक बनाता हूँ इसका नहीं मतलब स्ट्रॉबेरी का। इसको ठंडा करना था ना, तो इसे ठंडा तो कर ही लिया था मैं। ये जाएगा इसमें, इसका बनेगा जूस। बताना भूल गया था, जब मैं उसको पीस लूँगा ना, जो बनाया था सिरप सा, वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद थोड़ा सा निकाल के अलग रख लूँगा, इसमें दूध मिला दूँगा और बन गया हमारा स्ट्रॉबेरी शेक। तो अभी क्या है ना, मैंने जो ये बचा के रखा था ना, वो इस पर साइडों में लगाया जान के, ताकि ये थोड़ा अच्छे से लगे। तो अभी मैंने शेक तैयार कर लिया, चलते हैं इसे लेके उठाने में, बहुत वजन है यार इसमें। तो पूरा नहीं पीएगी तो ये रावण वाली ऐसी मत हंस, ये बता ले लग के जरा है यम्मी। हाँ तो वो तुम ये बता, इतना बढ़िया बनाना है क्या बताऊँ, तभी सब पी रहे हैं क्योंकि मैंने बनाया है।